बारिश का मौसम आते ही कैसे सारे पौधे हंसने मुस्कुराने खिलखिलाने लगते हैं और इनमें एक नई जान आ जाती है। तो इन खूबसूरत इफोर्बिया मिली के फ्लावर के साथ आपका मेरे गार्डन में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों से डहलिया के बल्ब ग्रो करना शेयर करूंगी। तो इस बॉक्स में मेरे लास्ट ईयर के बल्ब हैं जिन्हें सेव करने का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो आज हम इन्हीं बल्ब को ग्रो करेंगे और आप देख सकते हैं कि ये बल्ब रखे रखे ही इनमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिए 1, 2, 3 और इधर नीचे भी देखिए 4। तो इनमें अब स्प्राउटिंग होने स्टार्ट हो गई है। और डहलिया के बल्ब देखिए ड्राई होने के बाद किस तरीके से सिकुड़ जाते हैं और काफ़ी छोटे साइज के हो जाते हैं, जबकि ये बल्ब काफ़ी मोटे थे। तो ये ड्राई होकर इस तरीके से सिकुड़ जाते हैं। और दिखाती हूँ आपको, देखिए ये वाले बल्ब में भी कितनी ज़्यादा स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। तो यही राइट टाइम है इन बल्ब को लगाने का, क्योंकि स्प्राउट्स निकलने के बाद यदि इन बल्ब को नहीं लगाएंगे तो ये बल्ब खराब होना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो डहलिया के बल्ब सितंबर अक्टूबर में लगाया जाना ज़्यादा बेहतर होता है। इस समय मतलब इसके बल्ब लगाना थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और डहलिया के बल्ब में थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा होता है तो ये बिल्कुल गल जाते हैं, इतने ज़्यादा जल्दी गलते हैं। लेकिन अगर मैं अभी लगाऊंगी नहीं तो ये सारे बल्ब भी ख़राब हो जाएंगे। मेरे पता नहीं क्यों इस बार इतने जल्दी इनमें स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई है। तो मैं इसके बल्ब को लगाऊंगी, तो ये मैं अलग अलग पॉट में ग्रो करूंगी। अब देखिए चाहें तो हम इन्हें ये जैसे ये अलग अलग बल्ब है, ये 1, 2, 3, 4, 5, चाहूँ तो मैं इनको ये सेपरेट करके भी लगा सकती हूँ, सारे बल्ब को सेपरेट करके भी लगा सकती हूँ। लेकिन मैं इन्हें एक साथ ग्रो करूँगी, क्योंकि फिर हम इसकी कटिंग से, डहलिया कटिंग से भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, तो हम इसकी कटिंग से फिर और प्लांट बना लेंगे। क्योंकि जो हम प्लांट कटिंग से लगाते हैं उसमें ज़्यादा बड़े फ्लावर आते हैं, ज़्यादा हेल्दी आते हैं। तो मैं ये पूरे बल्ब को एक साथ लगाऊंगी, नहीं तो हम इन्हें जैसे ये है ना, इस पे इतने सारे हैं तो हम इनको ऐसे सेपरेट सेपरेट करके भी लगा सकते हैं। तो आज हम ये डहलिया के बल्ब ग्रो करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये सॉइल तैयार कर ली है। अब इसके सॉइल की बात करें तो इसे ना एकदम पोरस सॉइल पसंद होती है, बिल्कुल वेल ड्रेन सॉइल पसंद होती है। तो मैंने इस पे 40% सॉइल ली है और 20% सैंड और 30% इसमें गोबर की खाद ली है। इसे ना गोबर की खाद बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप वर्मी कंपोस्ट कितना भी डाल दें तो उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन अगर गोबर की खाद आप इसे दे रहे हैं ना तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इसके लिए मैं एकदम पोरस सॉइल तैयार कर ली है और इसे पॉट को भर लिया है। और एक चीज़ और, हाँ, आप इसे लगाते समय ध्यान रखें कि इसका ड्रेनेज होल जो है वो अच्छा से बने हो, थोड़ा बड़ा सा ड्रेनेज होल रखें। तो ये मैं इस पर थोड़ी सी बल्ब को लगाने के लिए जगह बना लेती हूँ। और उसके बाद, और इसमें मैंने ना थोड़ी सी वुड अस्क भी, 1 चम्मच वुड अस्क मिलाई है यानी लकड़ी की राख, और 1 चम्मच मैंने इस पे हल्दी पाउडर भी मिक्स कर लिया है। और अब ये बल्ब को हमें बिल्कुल ऐसे सीधे रख देना है। थोड़ी सी मैं और जगह बना लेती हूँ। ये तो ये मैं इस बल्ब को बस ऐसे सीधे रख देना है और सीधे रख देना है और अब हम इस पे सॉइल फिल कर देंगे। ये इस पे हम अच्छे से सॉइल फिल कर देंगे। और आप सॉइल डालते समय ध्यान रखें कि जो ये स्प्राउट है वो बिल्कुल भी ना दबे। मैंने इस पे अभी इतनी खाली जगह इसलिए रखी है क्योंकि ये जब ये नीचे से ग्रो होते हैं ना तो डहलिया के फ्लावर बहुत बड़े होते हैं, वेटेड होते हैं, तो इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो फिर हम इसे अच्छे से सपोर्ट दे देंगे, जब ये ग्रो हो जाएंगे तब इसमें हम और मिट्टी फिल कर देंगे। तो ये जो स्प्राउटिंग है इसको आप बिल्कुल भी सॉइल पे ना दबाएं, इस बात का ध्यान रखें इस तरीके से। तो ये हमने लगा दिए, ये देखिए इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं दबाया है। और इस पे मैं अभी वाटरिंग नहीं करूंगी क्योंकि ये जो मेरी सॉइल है ना ये हल्की मॉइस्ट है, ये हल्की मॉइस्ट है, तो मैं आज इस पे वाटरिंग नहीं करूंगी और इसे मैं फुल सन में रख दूंगी। लेकिन इसको
आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि जब बारिश होने लगे ना, बहुत ज्यादा बारिश हो, इसकी मिट्टी ना हर वक्त सौगी नहीं होनी चाहिए, ये एक ड्राई साइड सहन कर लेता है। बारिश होने लगे ना तो आप इसको उठा के ऐसी जगह रख दीजिए जहां इस पे पानी ना पड़े, तो इसके बल्ब बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। और जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तब हम इनकी कटिंग लेके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। ये कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। अगर आपके पास डहलिया के पुराने प्लांट बचे हों तो आप इस समय भी इनकी कटिंग लगा सकते हैं, पर इनकी कटिंग सितंबर में लगाना ज़्यादा सही रहता है क्योंकि उस समय इनका 100% रिजल्ट मिलता है। इस समय हवा में भी मॉइस्चर होता है तो इसके कारण कटिंग गलने लगती है, फंगस लगने लगता है। तो आप इसे मतलब अगस्त सितंबर में इसकी कटिंग लगाएं। मैं इसमें बस मैं ऐसा हल्का हल्का पानी भर डाल दे रही हूँ, बहुत हल्का इस पे पानी डाल दे रही हूँ और फिर इसे हम रख देंगे। तो इस तरीके से आप भी अपने डहलिया के बल्ब को इस समय लगा सकते हैं। तो